नमस्कार आर्या तिवारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम केले से बना मालपुआ बनाएंगे, ये बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम मैदा, 150 ग्राम चीनी और ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम छोटी इलायची, आधा लीटर दूध, दो केले पके हुए। पहले केले और चीनी को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी भी गल जाए और केला में गुठलियां ना रहे, अच्छे से चीनी के साथ ये मिक्स हो जाए। ये देखिए ये हमने फेंट लिया है, अब इसे हम मैदा में मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिलाएंगे। बैटर को हम 4-5 मिनट तक फेंटेंगे। अभी हमारा बैटर जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे। पांच मिनट तक मैंने इसे फेंट लिया है और ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम कम से कम 30 मिनट के लिए रख देंगे, आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं। 30 मिनट हो गया है, अब हम इसमें काजू और बादाम काट लिए हैं, इसमें हम मिला देंगे और छोटी इलायची पाउडर भी मिला देंगे और इसे हम दोबारा मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें और ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं, बैटर ज्यादा पतला और ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इतना पे होना चाहिए। ये देखिए गैस ऑन कर लेते हैं, मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो गया है, आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। इसे हम धीमी आंच पे बनाएंगे। मालपुआ हमेशा धीमी आंच पे बनाते हैं, वरना ये ऊपर तो जल जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। ये मालपुआ अच्छे से फूल गया है, अब हम इसे धीरे से उलट देंगे। ये मालपुआ तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे मालपुआ बनाएंगे। बैटर को एक जगह ही डालेंगे, जब भी इसे बनाइए धीमी आंच पे ही बनाइए, धीमी आंच पे ये बहुत अच्छा से बनता है और इसका कलर भी अच्छा आता है, तेज आंच पे बनाने पे जल जाता है। मालपुआ सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप बैटर बनाएंगे तो इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, अगर बैटर ज्यादा पतला होगा तो मालपुआ सेप में नहीं आएगा, और अगर बैटर आपका बहुत गाढ़ा होगा तो मालपुआ बहुत मोटी बनेगी। और घी का भी ध्यान रखना है, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, घी ज्यादा गर्म होगा तो मालपुआ ज्यादा डार्क हो जाएगा, अच्छी तरह नहीं सिकेगी। फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।